रॉकी आग है आग और दुश्मन पेट्रोल। यस सर और केजीएफ आग है आग और हेटर्स पेट्रोल। दुश्मन जितने बढ़ेंगे हेटर्स जितने बढ़ेंगे उतनी आग और फैलेगी। धक 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 धक। बम्बई मेरी है बम्बई मेरी है बोलने वाले हर गली के कुत्ते आज एक ही जगह पे फंस गए। उन सारे कुत्तों को उस गली में दौड़ा दौड़ा के मारेगा वो। खून की गंध पाकर सारे गिद्ध एक ही जगह पे आज जमा हो गए, लेकिन उन गिद्धड़ों को ये नहीं पता है कि वो खून उन्हीं की शिकार करने वाले शेर का है। दैट्स फॉर रॉकी भाई एंड दैट्स फॉर यश। देन जाओ रे जाओ, जाके चूड़ियां पहन लो, तुम लोगों से कुछ नहीं होगा। इनको ना कोई मार पाया है ना कोई मार पाएगा। बच्चे के साथ साथ बूढ़े की भी कब्र खोदो। देन कम्स नेक्स्ट। इतिहास जल्दबाजी में नहीं रचा जा सकता, ना ही कोई ब्लूप्रिंट बना के कोई इतिहास लिख सक प्लानिंग करके ब्लूप्रिंट बना के इतिहास नहीं रच सकता। बस एक चिंगारी काफ़ी होती है और उस दिन तो आग ही लग गई। ऐसा यूं खड़ा है हद से ज्यादा ये अड़ा है, 56 इंच का सीना ये धरती फाड़ के ये आया है। जोर से बोलोगे तो चीर ही देगा ये सुल्तान, जोर से बोलोगे तो चीर ही देगा ये है सुल्तान। लास्ट डायलॉग है, टोली बनाकर मारने यश की रॉकी की मम्मी रॉकी से बात कर रही है। जब उसने वो कुछ लड़कों को मारा है, दूसरी औरत उसको लेके आती है उसके सामने और बोलती है, रॉकी की माँ बोलती है, क्यों रे टोली बनाकर गया मारने गया था, अकेला जा, अगर तुझ में हिम्मत है तो 1000 लोग तुम्हारे पीछे खड़े होंगे तो तुम सिर्फ एक जंग जीतोगे, और अगर हजारों लोगों ने हिम्मत करके तुम्हें अपने सामने खड़ा कर लिया तो तुम पूरी दुनिया जीत जाओगे। यस, सल्यूट टू रॉकी भाई, सल्यूट टू यश सर, केजीएफ टीम एंड ईच एंड एवरीवन। तो ये तो बस यही कुछ डायलॉग थे, और थोड़े और कुछ स्टार्टिंग के हुए बोल देता हूँ, आपको पसंद आया तो देख लीजिए। स्टार्टिंग का सीन है, रॉकी को पकड़ लिया है तो वहाँ पे, तूफान को लटकाते नहीं तूफान से भागते हैं। देन हाँ, चाचा की एंट्री है, वहाँ पे बोलते कि जा रे छोटू पुलाव ले किया, तो जब बोलते हो रॉकी को पकड़ लिया है दिलावर के लोगों ने, तो चाचा बोलते हैं पुलाव कैंसल बिरयानी ले गया ज़्यादा कांदा मार के। सुपर्ब डायलॉग। उसके बाद का डायलॉग तो मैंने पहले ही बोल दिया है, खून की गंध पाकर सारे गीदड़ एक ही जगह इकट्ठे हो गए, लेकिन इन गीदड़ों को पता नहीं है ये खून उन्हीं का शिकार करने वाले शेर का है। और बम्बई मेरी है बोलने वाले हर गली के आवारा कुत्ते आज एक ही जगह पे जमा हो गए। उन कुत्तों को उसी गली में दौड़ा दौड़ा के मारेगा। उसके बाद में दौड़ा दौड़ा के एक एक करके मारेगा। उसके बाद में रॉकी आग है आग और दुश्मन पेट्रोल। जितने दुश्मन बढ़ेंगे उतनी आग फैलती जाएगी। धक 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 धक। सेम मैं यही कहना चाहूँगा यश सर के लिए, यश सर के सभी हेटर्स के लिए, केजीएफ के सभी हेटर्स के लिए, अगर यश सर और केजीएफ आग है आग, और आप सभी जो हेटर लोग हो जो सभी हेट कर रहे हो केजीएफ को, या फिर जो कुछ रॉन्ग बोल रहे हो केजीएफ के बारे में, या फिर केजीएफ के लिए रॉन्ग बोल रहे हो,
आप लोग पेट्रोल और पेट्रोल जितना आप हेट करोगे उतना केजीएफ और ये सर बढ़ते जाएंगे, धक 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 धक। दुआ है उसके सर पे, ये सर के और केजीएफ की पूरी टीम के सर पे दुआ है। वो क्या बोलेंगे उसको, दुआ है उसके सर पे बस। और कहाँ पे गया, रॉकी आग है आग, एक बार पटरी पकड़ ले, पटरी पकड़ ले तो रुकता भी नहीं झुकता भी नहीं। रॉकी आग है आग और दुश्मन पेट्रोल। दुश्मन जितने ज्यादा बढ़ेंगे, हेटर्स जितने ज्यादा बढ़ेंगे उतना केजीएफ और यश सर बढ़ते जाएंगे, क्योंकि यश सर और केजीएफ आग है आग। जितने ज्यादा दुश्मन बढ़ेंगे, जितने ज्यादा हेटर्स बढ़ेंगे उतने केजीएफ यश सर और रॉकी फैलते जाएंगे, धक 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 धक। सो गाइस, ये था मेरा ट्रिब्यूट टू केजीएफ। क्या बोलेंगे यार, दिस इज माई ट्रिब्यूट टू केजीएफ, होल केजीएफ टीम, ईच एंड एवरी सिंगल मेंबर जो केजीएफ टीम से रिलेटेड है, जिसने कॉन्ट्रीब्यूट किया है केजीएफ की क्रिएशन में, टू क्रिएट दिस मास्टर पीस। फिर उसके बाद में 1000 कैरेट डायमंड, 1,000,000 कैरेट गोल्ड, डेडिकेटेड टू ऑल दोज पीपल रिलेटेड टू केजीएफ वर्ल्ड, टू ईच एंड एवरी वन, दिस इज माई डेडिकेशन, दिस इज माई ट्रिब्यूट टू देम। दैट मैंने कुछ डायलॉग बोल दिए अपने तरीके से, कुछ मिक्सअप करके, यश सर का भी उसमें रेफरेंस दे दिया, फिर उसके बाद में उसके केजीएफ के पूरे टीम का इसमें रेफरेंस दे दिया। आपको पसंद आया नहीं पसंद आया प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइए। और क्या बोल सकता हूँ यार, बस यही है। मैंने बहुत सारे केजीएफ के पहले भी वीडियोज़ बनाए हैं, प्लीज़ जाके देखिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, मुझे बताइए क्या आपको पसंद आया, क्या आपको पसंद नहीं आया। सो दैट्स माई ट्रिब्यूट टू के जी एफ विथ डायलॉग्स, उसमें मैंने मिक्स कर दिया, कुछ मेरा कुछ ऐड कर दिया उसमें मैंने, यश सर को और के जी एफ को सैल्यूट करने के लिए मैंने उसमें मेरा खुद का कुछ ये क्या बोलेंगे उसको मिक्सअप कर दिया। और फाइनली सलाम रॉकी भाई, सलाम यश सर, सलाम होल हार्ड वर्किंग टीम ऑफ के जी एफ। मेरे प्रीवियस वीडियोस देखिए, गोल्डन स्टोरीज ऑफ केजीएफ, फिर उसके बाद में उनके इंटरव्यूज जो जैबी क्वे ने लिए थे, फिर उसके बाद में उनके इंटरव्यू जो क्या उनके क्या नाम है उनका, रवि कुमार गुप्ता जी ने लिए थे, उसमें भी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। एंड थैंक्स लॉट टू जैबी क्वे, थैंक्स लॉट टू रवि कुमार गुप्ता जी, जिनकी वजह से केजीएफ सिर्फ एक मूवी नहीं बल्कि इतना बड़ा एक्सपीरियंस है, इतनी इतनी बड़ी चीज़ है, ये सभी को पता चला, इसके लिए थैंक्स अ लॉट टू देम ऑल्सो। एंड या गो टू योर नियर थिएटर्स, डू वॉच के जी एफ एंड एन्जॉय द फ्यूर ऑफ के जी एफ। एंड सलाम रॉकी भाई, सलाम यश सर, एंड सलाम हार्ड वर्क ऑफ ऑल ईच एंड एवरी मेंबर ऑफ के जी एफ टीम, प्रशांत नील सर, रवि बसूर सर, उसके बाद में भूषण गोड़ा, समथिंग लाइक दैट उनका नाम है, सॉरी अगर मैं रॉन्ग प्रोनाउंस कर रहा हूँ। तो सलाम टू ईच एंड एवरी वन, थैंक्स अ लॉट फॉर गिविंग दिस 1,000,000 कैरेट गोल्ड एंड 1,000 कैरेट डायमंड केजीएफ फॉर इंडियन सिनेमा। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग। एंड गाइज, आपके कमेंट्स मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, लेट मी नो। हैव अ नाइस डे, हैव अ ग्रेट डे, एंड एन्जॉय फ्यूर ऑफ केजीएफ। पीस।